बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपना चूल्हा बाय फारिया में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं पकौड़े, वो भी बिल्कुल बाजारी स्टाइल में। तो हम शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ली है पालक। ये पालक ली है मैंने तकरीबन 1 कप के करीब। उसमें मैंने ऐड की है प्याज। ये प्याज है मेरे पास तकरीबन 1.5 मीडियम साइज़ की, एक और आधी। और उसके साथ में लिए हैं मैंने 2 आलू। ये तकरीबन है 2 आलू जिन्हें मैंने बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में काट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैंने ली है 1 बड़ा चमचा, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है चाट मसाला, ये भी मैंने 1 बड़ा चमचा लिया है, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से या जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से। नमक हसब ज़रूरत, मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चमचा नमक लिया है क्योंकि आलू भी नमक लेते हैं। इसमें मैंने लिया है धनिया, साबुत धनिया, उसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, ये भी तकरीबन 1 चमचा भर के है, 1 बड़ा चमचा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, पहले मैं इसे 3 चमचे डाल के इसे हल्के हल्के पानी से मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे हमें जितना बेसन चाहिए। हमें बस इतना बेसन चाहिए जो इसके ऊपर कोट हो जाए, हमें एक्स्ट्रा इसका मिक्सचर नहीं बनाना। मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। इसमें तकरीबन मैंने 2 चमचे और बेसन ऐड किया था मिक्स करते हुए, और ये देख रहे हैं आप किस तरह से है, ये बिल्कुल जुड़ चुका है, लेकिन ये एक्स्ट्रा रनिंग टेक्सचर नहीं है इसका। अब हम तेल गरम करेंगे और इसके पकौड़े बनाएंगे। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे, एक अमाउंट आपने बड़ा या छोटा जो भी बनाना है उस हिसाब से ले लें, और फिर उसके बाद आप हाथ की मदद से या चमचे से जैसे मर्जी से डालें। ये बिल्कुल बाजार स्टाइल के पकौड़े बनते हैं और ये बहुत मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। इसमें बेसन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, और इसे हम बिल्कुल ये क्रिस्पी फ्राई करने के लिए एक टिप ये है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा पकौड़े एक वक्त में ना डालें, उससे ये होगा कि टेम्परेचर जो है वो ऑयल का ख़राब नहीं होगा और ये जल्दी भी पकेंगे और क्रिस्पी भी पकेंगे। मैंने अपने पकौड़े डाल दिए हैं, इसे मैंने एक्स्ट्रा नहीं भरा है। अब इसे हम पकाएंगे मीडियम आँच पर। अभी ना मैं चेक करती जा रही हूँ जो जो ब्राउन होते जा रहे हैं उन्हें मैं पलट रही हूँ। साथ में देखिए हम कैसे क्रिस्पी पकोड़े वो हो रहे हैं, इसमें बेसन कम है उसकी वजह से ही ये क्रिस्पी हैं। और इसे हम ऐसा ऐसा मूव करते जाएंगे ताकि एक जगह पे कोई आंच ना लगे। हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं, मैंने इन्हें बिल्कुल मीडियम आँच पर किया है फ्राई, क्योंकि अगर ज़्यादा स्लो कर दी जाए आँच तो पकौड़े जो है वो तेल पी लेते हैं। तो ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, इन्हें मैंने गोल्डन कलर देना था, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था। अब मैंने निकाल लूँगी, इसी तरह से मैं बाकी अपने पकोड़े भी तल लूँगी, फिर आपको दिखाते हैं। हमारे बाजार वाले पकोड़े रेडी हैं, इसे आप मायनीज के साथ या केचप के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके साथ हमारे घर में चटनी खाई जाती है और साथ में जो रायता होता है ग्रीन वाला वो, और केचप के साथ खाया जाता है इसे। तो इसे आप ज़रूर बनाएं और खा के हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगा। ये बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत मज़ेदार बने हैं। आप घर में बाजार वाला जायका लाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।